गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोपाल पुलिस के अभियान पर बताया कि भोपाल पुलिस की टीम ऐतिहासिक काम कर रही है। रात में गश्त कर पुलिस ने 258 वारंट तामील कराए हैं। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐतिहासिक अभियान था। ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। क्या घटना है? वो लोकेंद्र दवे आए थे ना डॉक्टर भोपाल के, जो मोबाइल सर होना सर, ये था कि कोई सर इनकी गाड़ी से कोई पता नहीं टक्कर कुछ हुई है सर, तो जो है दो तीन लोग आए थे, उन्होंने कहा कि तीन टक्कर मार के आप आए हो करके, और फिर इनका सर जो माता पति पर सुन ली उनका कहना था कि मेरा मोबाइल गायब हो गया सर, तो उसमें सर उसको पोर्टल पर करवा दिया था कि वो गूगल नहीं करते सर, मैंने कहा आपको एफआईआर करनी है तो आप अपने एफआईआर कर लेते हैं इसमें। नहीं, मैंने तो आपको धन्यवाद देने को लगाया था, काफी तारीफ कर रहे थे वो आपके व्यवहार की, और अकेले उन्हीं के व्यवहार की नहीं, आप उस समय जो थाने में और लोग बैठे थे उनसे भी आपकी वे ऑफ टॉकिंग काफी अच्छी थी। तो ये परंपरा बढ़नी चाहिए कि अपने थाने में आने के बाद में लोग भी तारीफ करें, इसके लिए मैंने तो आपको धन्यवाद देने को किया था। आज भी है, कल भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं माँ नर्मदा की जयंती में शामिल होंगे, और हमारी सरकार ने तो जीवित इकाई माना। किनारे के आईजी हैं, चाहे वो जबलपुर के हों, वो भोपाल होशंगाबाद के हों, इंदौर के हों, सभी को कहा है कि सख्त वहाँ पर कोई ट्रैफिक में दिक्कत ना आए, किनारों पर घाटों पर जो नमन करने के लिए माँ को आते हैं वहाँ कोई दिक्कत ना हो, सावधानी डिजास्टर की घटने की इन सब पे तीखी नज़र पुलिस की होना चाहिए, ऐसे सभी आईजीओं को मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उनकी प्रतिमा की, संगीत विद्यालय की, उनकी याद को अक्षुण रखने की, सरस्वती माँ का वरद आशीर्वाद था उनके ऊपर, और देश को संगीत के क्षेत्र में एक ऊंचाई प्रदान करने वाली लता जी की याद को अक्षुण रखने का ये अच्छा और सार्थक प्रयास है। वास्तव में हुंडई का ये कृत्य आपत्तिजनक है। अपने सामान को बेचने के लिए, कार को बेचने के लिए, जिस तरह से वो भारत के अविभाज्य अंग कश्मीर को लेकर चित्रांकन किया है, वो चिंतनीय है। मैं इसकी उसकी भर्त्सना भी करता हूँ, इस तरह की कारगुजारी नहीं करना चाहिए उन्हें कार के लिए, कि आप सीधा का सीधा राष्ट्रीयता पर चिन्ह लगाओ, मेरे ख्याल से उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, इस तरह की कारगुजारी फिर ना हो, अन्यथा भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर खरीदती ही नहीं है सामान। बायकॉट होना चाहिए। उनको अफसोस हो रहा होगा कि इमरान खान की बात नहीं मानी उन्होंने सिद्धू वाली, लेकिन बाजवा जी जो है वहां के सेना के प्रधान, उनकी पसंद चन्नी जी थे, आखिर प्रेम तो वहीं का झलक ही आया दोनों में से। पर एक बात जरूर समझ नहीं आई कि किस हैसियत से उनने घोषणा की। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, ये परिवारवाद की तरफ जाता है स्पष्ट संकेत। परिवारवाद इसी को कहते हैं, कुछ ना होते हुए भी एक परिवार के सदस्य ने मुख्यमंत्री जैसे पद की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री का चयन तो विधायक करते हैं, संविधान से विपरीत जाके आप कर रहे हैं, ठीक है करें, पर आपकी हैसियत क्या है ये तो बताएं। प्रजातंत्र के अंदर इस तरह की प्रक्रियाओं से भ्रांति और भ्रम फैलते हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारे इंदौर के टीआई साहब हैं आदरणीय सतीश यादव जी, सतीश पटेल जी। सतीश पटेल जी से जब की जानकारी मुझे, दरअसल डॉक्टर जो लोकेंद्र जी हैं भोपाल के, उनसे भी बात हुई मेरी, और उन्होंने बताया कि इंदौर के अंदर एक छोटी सी घटना, किसी ने उनका कांच ठक ठक करके ऐसे खुलवाया और उसके बाद में घटी, तो वो थाने गए थे, तो
तो टीआई ने बहुत शालीन व्यवहार किया, ऐसी वो किसी से चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा मेरे तक आई तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे पूछूं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि वो शालीन व्यवहार टीआई जो पटेल थे मेरे से कर रहे थे, मां मेरे से पहले भी 2-3-4 लोग थे जिनसे वो कर रहे थे। मैंने फिर टीआई पटेल को शाबाशी भी दी और ये प्रयोग, ये बात बढ़े आगे कि थाने के अंदर व्यक्ति जाने पर अगर अच्छा महसूस करे तो एक छवि बदलती है। लोगों ने थानों की, हमारी पुलिस की छवि, हालांकि कोरोना काल में हमारे पुलिस के जवान जिस तरह से लॉकडाउन में सड़क पर खड़े रहे सर्दी और गर्मी बरसात में, और लगातार हमारी कोशिश पुलिस की छवि बदलने की है, जो आप सबके सामने ये दवे जी के प्रकरण से, पटेल साहब के व्यवहार से सामने आई है। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। मोदी जी की वैक्सीन ने पूरे देश को तीसरी लहर से सुरक्षित लगभग निकाल लिया है, उनका आभार। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 3,945 नए प्रकरण आए, जबकि 8,130 ठीक होके अपने अपने घरों पे गए। दुगनी से अधिक संख्या ठीक होने वालों की है, रिकवरी की है। 40,591 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल रह गए हैं। कल जो सैंपल लिए गए मध्य प्रदेश के अंदर वो 71,591 सैंपल थे। संक्रमण दर हमारी 5.51 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 93.9 93.9 प्रदेश की है। हमारे पुलिस के एक्टिव संक्रमित जवान 938 प्रदेश के अंदर हैं। कल 23 जवान नए हमारे संक्रमित हुए हैं। कल जो वैक्सीन लगी है 24 घंटे में वो 13,324 है। अभी तक जो वैक्सीन के कुल डोज मध्य प्रदेश में लगे हैं वो 11,07,96,405 वैक्सीन के संपूर्ण डोज मध्य प्रदेश में लगे हैं। हमारी पुलिस की टीम ने कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कल ऐतिहासिक काम किया है। हमने सभी थानों की फोर्स को, लगभग 1200 जवान ने पूरी रात भोपाल के अंदर गश्त किया और 258 वारंट तामील किए। इसमें स्थाई वारंटी 127 और 131 गिरफ्तारी के वारंटी थे। एक रात के अंदर 258 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अच्छा और अद्भुत प्रयोग ये भोपाल के अंदर हुआ है और ये लगातार रिपीट भी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।